नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे 2 BHK प्लान। तो ये जो प्लान है, ये 2 BHK प्लान है जिसमें एक हॉल है, किचन डाइनिंग है और 2 बेडरूम है। तो आते हैं सबसे पहले हम एक्सटर्नल वॉल दिखाने को। तो एक्सटर्नल वॉल जो है, तो मैं ये पीले कलर से एक्सटर्नल वॉल दिखा रहा हूँ। ये जो एक्सटर्नल वॉल है, अब एक्सटर्नल वॉल आपको ये दिख सकते हैं आप। ये एक्सटर्नल वॉल है जो 9 इंच की होती है। ये 9 इंच की जो वॉल जो है वो आउटर आउटर वॉल होती है, जो सभी आपके घर को फाउंडेशन या कॉलम के बीच में से जाती है। तो उसके बाद हम देखेंगे ये जो वॉल है, तो ये वॉल ड्रॉ होगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो वॉल है तो ये आउटर वॉल होगा। ये तो आउटर वॉल होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्किंग का एरिया भी यहाँ पे दिया गया है। तो जो एंट्रेंस है अपना, जो हॉल में से एंट्रेंस जाएगा, तो ये हॉल में से एंट्रेंस अपना ये डोर पे जाएगा। तो ये जो डोर है, ये हॉल में से डोर जाएगा, तो ये यहाँ पे ये हॉल में एंट्री आप करेंगे। तो उसके बाद हम हॉल में से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ से हॉल में से आप बेडरूम 1 में जा सकते हैं, जो उसके लिए हमने एक डोर प्रोवाइड किया है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 स्लाइडेड डोर है, मतलब ये दोनों तरफ से खुलता है, जो डाइनिंग में जाता है। तो डाइनिंग में जाने के लिए ये डोर दिया गया है। तो उसके बाद ये यहाँ से हम डाइनिंग से दूसरे बेडरूम में जा सकते हैं, वो दूसरे बेडरूम में जा सकते हैं जहाँ हमने दूसरा डोर प्रोवाइड किया है। तो और वो WC मतलब डब्ल्यू संड मतलब टॉयलेट या बाथरूम के लिए हमने एक यहाँ पे छोटा डोर प्रोवाइड किया है। ऐसे हमने टोटल 4 डोर प्रोवाइड किए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा विंडो की तरफ। तो विंडो जो है, तो ये हमने विंडो प्रोवाइड की है, ये विंडो ये बेडरूम के लिए विंडो प्रोवाइड की है। उसके बाद हमने ये यहाँ पे हॉल के लिए भी एक विंडो प्रोवाइड की है, और यहाँ पे WC के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है, और ये जो विंडो है ये इंटरनली प्रोवाइड की है ताकि जो सेकंड बेडरूम है वहाँ पे भी वेंटिलेशन आ सके। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके डायमेंशन। तो हॉल जो है, हॉल के जो डायमेंशन है, हॉल के हॉल जो है, तो हॉल हमने प्रोवाइड किया है हॉल। तो हॉल जो है 10 फीट बाय 8.5 फीट है। तो ये 10 फीट ऐसा है और 8.5 फीट ऐसा है। तो उसके बाद डाइनिंग में देखेंगे, तो डायरेक्ट इसके बाद हम डाइनिंग में जाएंगे। तो डाइनिंग में डाइनिंग और किचन ये अटैच है, डाइनिंग और किचन अटैच है, और उसका जो डायमेंशन है ये 10 फीट बाय 10 फीट है, मतलब 10 फीट 10 फीट ऐसा है ऐसा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि WC बाथरूम जो है, हमने बहुत बड़ा WC बाथरूम यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो 6 फीट बाय 5 फीट का है, 6 फीट ऐसा है और 5 फीट ऐसा है। तो उसके बाद हम आएंगे बेडरूम नंबर 2। तो बेडरूम नंबर 2 की साइज जो है, तो 10 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम नंबर 2 है, 10 फीट 10 फीट ऐसा है और 10 फीट ऐसा है। और बेडरूम नंबर 1 में जाएंगे, मास्टर बेडरूम में जाएंगे, तो मास्टर बेडरूम की जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 11 फीट 3 इंचेस की है, 10 फीट बाय 11 इंच 3 इंचेस की है, मतलब 10 फीट ऐसा है और 11 फीट ऐसा है। तो ये टोटल जो है ये 25 फीट बाय 20 फीट का है। 25 बाय 20 फीट का मतलब
लगभग 450 स्क्वायर फीट का ये जो घर है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे पार्किंग स्लॉट भी प्रोवाइड किया है, जहाँ पे आपकी कार या कुछ भी जो आपका व्हीकल है, आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लॉन लॉन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट भी आपने दिया है, ये कंपाउंड हॉल यहाँ पे प्रोवाइड कर किए है। तो ये जो प्लान है, ये वेस्ट वेस्ट प्लान है, जो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर जाती है जिसमें। और ये अगर आपको अच्छा प्लान प्लान अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अच्छे प्लान के साथ।